वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हमें यार वारदगंज का शोरूम्स में। सो यार मैंने आपको जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा पहले जॉब लगा था जमशेदपुर में, और वहां पे भी शोरूम था। वहां पे हम लोग टेक्नीशियन के काम करते थे, और यहां पे भी एज अ टेक्नीशियन काम। वहां से मेरी पोस्टिंग हो गई हजारीबाग हुई, और मैं अभी यहाँ हजारीबाग में हूँ। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि वारदगंज का शोरूम। अभी तो ये शोरूम नया बना हुआ है, तो उतना इसमें अभी काम नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोग कुछ गाड़ियां मेंटेन करते हैं, और बता दें कि ये एक सर्विस के साथ एक सेल्स का भी शोरूम है। और यार चलो आपको इस शोरूम के बारे में बताते हैं, इस शोरूम के बारे में कहाँ काम होता है, कहाँ वर्कशॉप है, कहाँ सेल्स डिपार्ट है, कहाँ ऑफिस है, एवरीथिंग क्लियर होगा इस वीडियो में इस शोरूम के बारे में। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. So guys, ये स्टोर रूम आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि गाड़ी में कुछ भी आपको टूट गया, क्लच प्लेट टूट गया, लाइट टूट गई, आपको इस स्टोर रूम में मिलेगा। और स्टोर रूम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक स्टाफ हायर किया, और ये मेनली रहा गेट, ये वर्कशॉप और ये स्टोर रूम को कनेक्ट करता है। और यहाँ से जो भी हो कुछ चाहिए आपको, तो आइए स्टोर रूम में एंटर करिए, और आपको आपको देगा सामान निकाल के, और आप जाइए गाड़ी में लगाइए। यहाँ पे सारे टेक्नीशियंस लोग वर्क करते हैं। So guys, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ ये एक सेल्स डिपार्ट है, और यहाँ पे सेल्स वाले लोग बैठते हैं और डिस्कशंस करते हैं अपनी सेल्स के बारे में। मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा था, कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा था। अच्छा बात। और यार इधर एक छोटा सा किचन बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पे जो इतने सारे स्टाफ है, टेक्नीशियंस है, सबके लिए चाय बनती है, तो यहाँ पे चाय बनती है, और चाय के लिए भी कुछ मैट्स रखी गई हैं। Lions gonna come, the birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. So guys, ये है ऑफिस, और ऑफिस में सामने दिख रहा है वारदगंज का लोगो, और नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी गई है, और ये रिसेप्शन, यहाँ बंदा बैठेगा रिसेप्शन वाला। और भी यार मेनली जो कस्टमर्स होते हैं उनको यहाँ पे वेलकम करने के लिए, और इधर भी कुछ सिस्टम्स कंप्यूटराइज हैं, जैसे कि हम लोग कस्टमर जो भी आएगा अपनी गाड़ी की डिटेल्स देगा, और यहाँ पे हमारे सिस्टम में सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं कि उस गाड़ी के कितने मेंटेनेंस हुआ। गाइस इतना कुछ तो हो गया। चलो आपको मैं अब दिखाता हूँ कि ये सामने से आगे पीछे से शोरूम कैसे दिखता है। और मेनली मैं ऑफिस के बाहर आ गया हूँ, और ये सामने रहा ऑफिस, और इस साइड मेन गेट पड़ेगा। और
और ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ व्हीकल्स आप खड़े कर सकते हैं, यानी कि ये एज अ पार्किंग ये बनाया गया है ये चीज़। और सबसे हम दूर से कहीं खड़े रहते हैं तो ये भारत बेंच का लोगो दिखता है जो, और एक और बड़ा सा लोगो बना हुआ है ये दिख रहा है भारत बेंच का। सो गाइस ये रहा वर्कशॉप का सामने का फ्रंट एरिया और मैंने आपको भी दिखाया, और यार कुछ दूर दूर तक जाके मुझे वीडियो बनानी पड़ी थी और फ़ोटो लेना पड़ा था, करना पड़ता है भाई वीडियो के लिए इतनी अच्छी देख रहा है। इधर कुछ रफ एरिया है, इधर मेनली करके कुछ प्लांट लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे जो दिख रहा है छोटा छोटा पेड़, अभी यही से प्लांट लगाएंगे कुछ दिन बाद इतने बड़े भी हो जाएंगे। तो चलो और यार अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ ये पूरा का पूरा एक ग्राउंड एरिया है जो कि पार्किंग ही है, और यार यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी एक पॉइंट बनाया गया है जो कि काफ़ी डीप है यहाँ पे। और मेरे पीछे जो दिख रहा है ये वॉशिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको सारी गाड़ियाँ जो भी व्हीकल्स आती हैं गंदी बूंदी उन्हें धोया जाता है, उन्हें धोने के लिए एक स्पेशल बंदा रखा गया है। और ठीक यार वॉशिंग पॉइंट के सामने साइड में ही यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए गए हैं जो कि अभी तो छोटे छोटे हैं लेकिन इन फ्यूचर अच्छे खासे बड़े हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे ग्रो भी कर रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि हमारे प्लांट में कुछ छोटे छोटे प्लांट भी हैं, यानी कि पौधे भी हैं। Lions roaring in the morning sun, searching for the light. और यार हर किसी को अपने लाइफ में एक पौधा तो लगाना चाहिए, पौधा नहीं पेड़ लगाना चाहिए, और हमारे यहाँ तो काफ़ी कुछ ज़्यादा ही लग गए हैं जो कि हमारे लिए भी सही है, वर्कशॉप के लिए सही है। और ये दिख रहा है सामने से इतना बड़ा वर्कशॉप है और सामने गेट है दिख रहा है। Good day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a shot. तो यार और कुछ भी आपको भारत बेंच के बारे में जानना है तो यार साइट पे जाओ, सब कुछ मिलेगा आपको वहाँ पे, वैकेंसी के बारे में भी बताया जाएगा कि आप वहाँ पे जॉब कैसे ले सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल्स है, भारत बेंच की जो व्हीकल्स होती है उन सारे का डिटेल्स है। तो यार इंटरेस्टेड हो तो जाओ चेकआउट मारो उसकी साइट को, और चलो टाटा बाय बाय। और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और यार भूले भटके चैनल पे आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और यार अगर ब्लॉगिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग हो तो यार मेरे चैनल पे जाओ चेकआउट मारो, बहुत सारी तुमको वीडियो मिल जाएगी ब्लॉगिंग की वीडियो, मैं अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में भी उसमें बहुत सारी वीडियो में डिस्कस किया हूँ। तो यार जाओ चेकआउट मारो और यार इस वीडियो को तो लाइक करके आना। Savannah.